सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्रैच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुआवे वाई नाइन की काफी सारी डिटेल जो कि लॉन्च होने वाला है 2019 में, जहां तक रूमर्स है। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो ये फोन होने वाला है भाई 4G फोन। इसके अंदर आप सिम डाल सकते हैं GSM HSPA LTE। और साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं इसके बॉडी के बारे में, तो इसके डायमेंशंस कुछ होने वाले हैं 162.4 × 77.1 × 8.1 mm का। और उसके जो वेट होने वाला है वो होगा 173 ग्राम्स का, यानी कि 6.10 ounce। देन हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्स की, तो इसमें होगा भैया डुअल सिम, एक होगा नैनो सिम और एक होगा डुअल स्टैंड बाय, यानी कि ये होगा हाइब्रिड फोन। और अब बात कर लेते हैं भैया इसकी डिस्प्ले की, तो इसका डिस्प्ले टाइप होने वाला है IPS LCD कैपेबिलिटी टच स्क्रीन 16 mm कलर्स का। इसका जो साइज होगा वो होगा 6.5 इंचेस का, जो कि अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बोले तो वो होगा 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की, जो कि होने वाला है 1080 × 2340 पिक्सल्स। अब भाई ये 2K भी नहीं है पूरा, पर ये फोल्ड एडिट जिस तरह बहुत अच्छा है। खैर बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर होने वाला भी है मल्टी टच, जो कि होगा EMUI 8.2। और OS की बात करें तो OS होने वाला है इसके अंदर Android 8.1, जो कि हो सकता है शायद से फ्यूचर में हमें मिले Android 9.0 में अपग्रेड होता हुआ, यानी कि Android Pi में अपग्रेड होता हुआ। देन इसका CPU जो है वो है ऑक्टाकोर। बाकी डिटेल्स हमारे पास स्नैपड्रैगन की वगैरह नहीं आई है, खैर एक्सेप्ट तो यही कर रहे हैं कि इसके अंदर हो सकता है स्नैपड्रैगन 855, जो कि अभी चल रहा था प्रोसेस इसके ऊपर। खैर बढ़ते हैं आगे इसके कार्ड स्लॉट्स की तरफ, इसकी मेमोरी की तरफ, जो कि एक्सपांडेबल होगी 256 GB तक की। और साथ ही साथ इसकी जो इंटरनल होने वाली है वो होगी 128 GB की, और एक होने वाली है 64 GB की। मतलब दो वेरियंट्स हैं, एक होगा 6 GB रैम जिसके अंदर होगी 128 GB इंटरनल, और दूसरा होगा 4 GB रैम जिसके अंदर होगी 64 GB इंटरनल। मेन कैमरे भाई डुअल होने वाले हैं, जिसमें होगा एक 25 MP का जो होगा PDAF, और दूसरा होगा 2 MP का जो कि होगा डेप्थ सेंसर। फीचर की बात करें तो फीचर में आएगा इसके अंदर LED फ्लैश HDR पैनोरमा, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। अब वीडियो पर ये शूट करने वाला है 180p पे, जहाँ तक अभी पता है, एट द रेट ऑफ 30 FPS, जो कि काफ़ी कम है। खैर बढ़ते हैं आगे इसके फ्रंट कैमरे की तरफ। फ्रंट में भी ये डुअल कैमरा दे रहा है 16 MP का, एक जस्ट PDAF आई बिलीव, और सेकंड वाला जो होगा इसका 2 MP का होगा डेप्थ सेंसर। फीचर इसका HDR और वीडियो शूटिंग अगर सेल्फी कैमरे से करें तो भी बहुत कम है, या फिर कौन सेम ही है 180p एट द रेट ऑफ 30 FPS। उसके बाद इसके अंदर होगा 3.5 mm का जैक, यानी कि अब बढ़ते हैं आगे सिंपली तौर पर। और भाई इसके अंदर ब्लूटूथ का होने वाला है 5.0, जो कि एक कमाल की बात है, या फिर कहूँ अच्छी बात है, क्योंकि गूगल पिक्सल 3 XL जो कि मैंने बताया बहुत लेटेस्ट फ़ोन है, उसमें भी यही आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। खैर उसके बाद बढ़ते हैं इसके सेंसर की तरफ। तो इसके अंदर होने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि होगा रियर माउंटेड एक्सेलेरेट सेंसर, जायरोमीटर, प्रॉक्सिमेट सेंसर और ई कंपास। देन भाई अब इसकी लास्ट में बैटरी की तरफ आ जाते हैं। बैटरी जो होने वाली है इसके अंदर वो होगी 3900 mAh बैटरी। और जो इसके लास्ट में कलर वेरियंट्स हैं, अब कलर्स वेरियंट्स में चार कलर वेरियंट्स में आएगा, एक ब्लैक, पिंक, ब्लू और पर्पल। प्रोबेबली कंपनी बारी बारी से लॉन्च कर रही है, जो भी है देखते हैं क्या है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक नई फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।